उनका एक जलाली जिस्म था, वो दीवार में से भी गुजर सकते थे। और ये उम्मीद हमारे लिए है कि जब हम जिंदा किए जाएंगे हमें भी जलाली बदन मिलेगा, इसीलिए हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। अब यहां पर जब उसने वो कपड़े देखे, लेकिन अभी तक वो ये जान नहीं सके थे कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। शागिर्द के बारे में लिखा है कि वो अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रहती है। और जब वो रो रही थी, उसने दो फरिश्तों को देखा जो कि पोशाक सफेद पोशाक पहने, एक सरहाने और दूसरे पहचाने बैठे थे। और उसने कहा कि आए औरत तू क्यों रोती है? उसने कहा कि इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि कहां रखा है। अब वो ये कहकर जब पीछे मुड़ती है तो यीशु को देखती है, लेकिन अभी तक उसने यीशु को नहीं पहचाना। यीशु ने से कहा कि आए औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? और ये उसने समझा कि शायद ये बागबान है। उसने बागबान समझकर उससे कहा कि मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। इसलिए वो खुदावंद से किस कदर मोहब्बत रखती थी, उसे फिक्र थी कि शायद मेरे खुदावंद को कोई चोरी करके ले गया है या ये उठा के उन्होंने किसी और जगह रख दिया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? यीशु ने उसे कहा आए मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी आए उस्ताद। अब यह वक्त था कि उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। क्यों? जब यीशु मसीह ने उसका नाम अपनी जुबान से लिया मरियम, ये वो वक्त था जब मरियम ने उसको पहचान लिया। और यही चीज है जो कि उसके जी उठने में, उसकी रेजरेक्शन में हमें जानने की जरूरत है। हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है? क्या हम सिर्फ यही कह देते हैं कि वो जी उठा है क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है, या हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है, या हमारे सन्डे स्कूल टीचर्स ने हमें सिखाया है? या क्या हमारा उसके साथ एक रिश्ता है? यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। बहुत दफा आपके साथ ऐसा होगा कि आप जब किसी को देखते नहीं या आवाज सुनते हैं तो आप उनको पहचान लेते हैं। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में था, मेरे पुलिस ने मेरे लिए कुछ गीत डाउनलोड किए मेरे फोन में। तो एक गीत था मुस्लिम बेटे के बारे में और उसका टाइटल उसने लिखा हुआ था अर्नेस्ट मॉब। तो मैं बड़ा खुश हूं, मैंने कहा अर्नेस्ट साहब का गीत है ये, मैं सुनूंगा। मैं रास्ते में सुन रहा था तो मैंने कहा ये उनकी आवाज नहीं लगती। ऊपर टाइटल तो उसने लिख दिया था अर्नेस्ट मॉब, लेकिन मैंने जब उसकी आवाज सुनी मैंने कहा ये अर्नेस्ट मॉब की आवाज नहीं है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सुभाष गिल की का गीत था, लेकिन उसने अर्नेस्ट मॉब का नाम उस पर लिखा हुआ था। इसलिए कि मैं अर्नेस्ट मॉब की आवाज को पहचानता था और मैं समझता हूं यही चीज है। जब हम यीशु की आवाज को पहचानते हैं, अगर कोई और शख्स हमें पुकारे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब यीशु हमें पुकारता है हम उसको पहचान लेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद बहुत से झूठे नबी आएंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि मैं मसीह हूं। कैसे हम उनको पहचानेंगे? जब मरियम ने यीशु मसीह की आवाज सुनी, जब उसने कहा कि मरियम, इसी तरह यीशु मसीह हमारे हमें शख्सी तौर पर जानते हैं, वो हमारा नाम जानते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उसे जानते हैं या नहीं? यीशु के नाम में निजात है। अगर हम चाहते हैं कि हम उसके जी उठने की हकीकी खुशी अपने अंदर महसूस करें, हम उसे शख्सी तौर पर जाने। अगर अभी तक हमारा उसके साथ वो रिश्ता नहीं है जो कि एक शागिर्द का अपने उस्ताद के साथ होना चाहिए। यीशु ने उसे कहा कि मुझे ना छू,
क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जाता हूँ। बहुत से लोग हैं जो कि इसकी गलत तफसीर करते हैं और इसे बहुत गलत फहमियां पैदा करते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने डिविंची कोड आपने वो मूवी देखी होगी या वो नावल पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यीशु मसीह और मरियम मगदलीनी के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह ने कहा कि अभी मुझे टच ना कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर जो मीनिंग इस लफ्ज के हैं, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, यीशु मसीह के कहने का ये मतलब नहीं था कि अभी मैं बाप के पास बिल्कुल गया ही नहीं। यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि मैं अभी मुकम्मल तौर पर बाप के पास चला नहीं गया, आई एम स्टिल हियर, आई एम नॉट लीविंग यू गाइस, मैं अभी 40 दिन तक इधर ही हूं, तो इसलिए मेरे पास ठहरने की तुझे जरूरत नहीं है अभी। डू नॉट क्लिंग टू मी, गो एंड टेल योर ब्रदर्स, भाइयों से जाके बताओ उनको, क्योंकि यीशु मसीह उसी दिन, अगर हम ये कहें कि हाँ अभी तक यीशु मसीह बाप के पास नहीं गए थे और उसकी जो उसका जिस्म है, शायद वो कई लोग ये तफसीर करते हैं कि हिज बॉडी वाज स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इनटू स्पिरिचुअल बॉडी, ऐसा नहीं था। उसने डाकू से क्या कहा था, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह उसी वक्त बाप के पास चले गए थे, लेकिन यहां कहने का मतलब था कि तू यहां देर ना कर। जब यीशु मसीह जिंदा हो गए, मरियम मगदलीनी को उनका क्या हुक्म था कि जाओ भाइयों को बताओ, और यही एक ऐसा मिशन है जो कि यीशु मसीह ने, हम कह सकते हैं कि जिंदा मसीह ने हमें और तमाम अपने शागिर्दों के सपोर्ट किया है। दिस इज द मिशन कि हम दूसरों को जाकर यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताएं। बेशक बहुत से लोग इस पर ईमान नहीं रख पाएंगे, जैसे जब उन्होंने भाइयों को बताया तो बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया, यीशु मसीह खुद उनके पास आ मौजूद हुए। लेकिन दिस इज द मिशन, खासतौर पर औरतों के बारे में अक्सर कहा जाता है, जैसे मुझे याद है पाकिस्तान में जो सनराइज सर्विस होती थी उसमें मोस्टली जो वुमेन है वो हिस्सा लेती थी, क्योंकि उन्होंने आके सबसे पहले खुशखबरी दी थी, ये उनको एजाज दिया गया कि जाकर दूसरों को भी बताओ। लेकिन सिर्फ औरतों ही को नहीं, हम सबों को ये हुक्म दिया गया, और वो हुक्म यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले दिया, जिसको हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, कि पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और पात्रों के नाम से बपतिस्मा दो, और हर एक उस चीज की तालीम दो जिसका हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। दूसरों के पास खुशखबरी ले जाना ये हमारा फर्ज है, ये उस मिशन का हिस्सा है, यही जिंदा मसीह का पैगाम है हमारे लिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये ईस्टर यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए मुबारक हो, हम शख्सी तौर पर उसको जाने और ये गॉस्पल जो कि हमारे सपोर्ट की गई इसको दूसरों तक पहुंचाएं। किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। खुदांदा सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। अभी अपने सरों को झुकाएं, खुदा से दुआ करें। हम अभी शेरवानी के हिस्से में दाखिल होंगे, हम उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। कुदूस बाप हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस दिन जब हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं।